खादी महोत्सव 2023 में 500 से अधिक पंडित रतन चंद्र जी जैन कन्याशाला और श्रीमती एस टी मेहता इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खादी को प्रमोट करने के लिए रैली निकाली गई। ये रैली स्कूल से निकलकर जैन देरासार, एमजी रोड और एसएनडीटी कॉलेज से होते हुए स्कूल में आकर खत्म हुई, जिसमें अंडर प्रिविलेज समाज के उत्थान के लिए काम करने वाली एनजीओ ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन ने खादी ग्राम उद्योग आयोग के साथ साझेदारी में इस अभियान का आयोजन किया। इस मौके पर केवीआईसी के डायरेक्टर योगेश भामारे, एचडब्ल्यूएआरएफ एनजीओ की फाउंडर क्रिस्टीन स्वामीनाथन, ट्रस्टी एचडब्ल्यूएआरएफ के रायजन स्वामीनाथन, ट्रस्टी एचडब्ल्यूएआरएफ प्रेम पंजाबी राजेश शाह, संस्थापक जियो रोटी घर मीना खेतानी, प्रबंध निदेशक एसपीआर जैन कन्याशाला ट्रस्ट अभय खेतानी, ट्रस्टी एसपीआर जैन कन्याशाला ट्रस्ट एसपीआर जैन कन्याशाला ट्रस्ट, प्राध्यापिका नंदा एन ठक्कर, विद्या सुरेश भट्ट, प्राध्यापिका एस टी मेहता इंग्लिश गर्ल्स स्कूल सेंट कोलंबा स्कूल की हेड मिस्ट्रेस शुभदा केदारी और स्कूल की टीचर सहित कई मान्यवर इस मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने खादी के सांस्कृतिक महत्व और विरासत के जतन करते हुए स्कूल ने भगवद गीता के श्लोक की अंताक्षरी जैसे अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन किया। एक छात्रा ने बेटी बचाओ पर कविता सुनाई जिसने सभी को भावुक कर दिया। खादी ग्रामों उद्योग और अन्य स्थानीय बारे में जागरूकता पैदा करूंगी, भागीदार बनूंगी। क्योंकि जहां हमने फर्स्ट कैंपेन सेंट कोलंबा हाई स्कूल में किया था, उसके बाद में ये सेकंड कैंपेन मतलब और मोटिवेटेड हो गया, क्योंकि फर्स्ट को देख के सेकंड भी उस तरीके से बेस्ट होना चाहिए। और प्राइमरली हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं जो इस रैली के लिए, ताकि लोगों को अवेयर आए कि खादी कितना इम्पोर्टेंट है, और हम उसको काफ़ी लोग हम लोग इनको इग्नोर कर चुके हैं। तो इस माध्यम से ये कैंपेन कंटिन्यू चलता रहेगा, तो आई थिंक हम काफ़ी जगह पे स्प्रेड कर सकते हैं ये मैसेज। और इसके बाद में भी और कैंपेन है हमारा, ये सेकेंड कैंपेन है, थर्ड कैंपेन होगा कंटिन्यू फुल वीक में। तो उसके अलावा आप लोग का सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है। ये कब से और कब तक चलेगा, खास करके खादी को ही क्यों चुना है आप लोगों ने? एक्चुअली देखिए, खादी आज हम कपड़े पहनते हैं, विदेशी कपड़े पहनते हैं, और हमको लगता है कि फैशन नहीं है, लेकिन आज मुझे इसका वैल्यू पता चल रहा है कि जो हिस्टोरिकल चीज़ जो हिस्ट्री में हम पढ़ते आ रहे थे, हम पढ़ ही रहे थे, लेकिन आज हम उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमने इसको कंटिन्यूशन करना चाहिए। जो हमारे जनरेशन आ रहे हैं उनको भी इस बारे में पता
बताना चाहिए, क्योंकि जो हमारे फ्रीडम फाइटर ने इसके लिए जो योगदान दिया है खादी को आगे बढ़ाने के लिए, वो पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो इसको हमको आगे बढ़ा के मतलब आगे जाना है, और इसी माध्यम से आई थिंक बच्चे के द्वारा, मीन्स दिस इज़ अ न्यू जनरेशन, इनके पास से फैक्ट्स और भी लोगों तक स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि ये इनका एज है, ये ग्रो होते रहेंगे, और यूथ के हिसाब से जैसे जैसे ये ग्रो होंगे तो आई थिंक दिस विल बेनिफिट अस अ लॉट टू एवरीवन ऑल ऑफ अस। मैम क्या कहेंगी, आप लोग भी काफ़ी रैली में बच्चों के साथ बच्चे बने हुए दिखाई दे रहे थे, उस रैली में क्या कहेंगे? बच्चों का जो एंथुजियाज्म था रैली खत्म होने के बाद ही, वो लोग तो नारा लगा रहे थे खादी का, इतना सारा एंथुजियाज्म था। तो लगता है या खादी को बढ़ाना चाहिए, हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो ये सबको लेके खादी भी साथ में आना चाहिए बढ़ाने के लिए। और खादी एक्चुअली वेस्ट में तो बहुत बड़ी फैशन है, खादी यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि डेफिनेटली वी शुड स्प्रेड द वर्ड ऑफ खादी। आज खादी इतना सूटेबल है हमारे क्लाइमेट के लिए भी, तो वाई नॉट वेयर खादी, खादी पहनना ही चाहिए। और बच्चों को बच्चों तक ये मैसेज पहुँचा तो बाकी सब स्कूलों में भी ऐसे मैसेज पहुँचेगा, तो डेफिनेटली खादी विल मूव फॉरवर्ड। किस तरीके के एक्सपीरियंस कर रहे हैं, खास करके खादी को प्रमोट करना बच्चों में किस तरीके के चैलेंजिंग रहेंगे आने वाले दिनों के लिए? आज जो मैंने देखा बहुत एंथुजियाज्म, जो पहला स्कूल था सेंट कोलंबा, जब मैंने खुद ने जब ये बात सुनी थी बहुत अच्छा लगा, बिकॉज खादी ये हमको भी रिमाइंड कर गया। सो मैम यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क बाय रिवाइविंग दिस, एंड आई वुड लाइक टू थैंक KVIC टेकिंग एन इनिशिएटिव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल्स, बिकॉज अनलेस मैं अगर मेरे छोटे बच्चे को नहीं दिखाऊंगी कि ये खादी है तो उनको समझ में नहीं आएगा। सो दिस इज़ अ लेसन फॉर अस एज एल्डर्स कि हम लोगों ने खादी खरीदनी है। और ये आज का जो मैंने माहौल यहाँ का देखा, छोटे छोटे बच्चे जो हमको याद दिला रहे हैं कि खादी लेनी है, और खादी ये दिवाली, सो आई एम श्योर दिस दिवाली खादी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स टू टॉक अबाउट, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं, दिस इज लाइक ऑटोमेटिक आपकी एडवर्टाइजमेंट चली गई तो यू नो ऑल ओवर। सो इट वॉज वेरी नाइस, वेरी एक्साइटिंग, और बहुत जो शोर शराबा इन लोगों का खादी के लिए था वो बहुत अच्छा लगा। लेकिन एज अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल मैं एक आइडिया थोड़ा सब स्कूल्स को देना चाहूँगी कि हर साल हम लोग एक टाइम जो बच्चे अपना बर्थडे मनाते हैं, जो रिटर्न गिफ्ट्स देते हैं मम्मी पापा, जो रिटर्न गिफ्ट्स देते हैं, अगर उन्होंने ये सोच लिया कि एक छोटी सी रिटर्न गिफ्ट जो पार्टी के बच्चे जो भी आएंगे, अगर मम्मी पाव भाजी बना रही है तो उसके साथ एक खादी वाला कुछ रिटर्न गिफ्ट, भले सोप क्यों ना हो या छोटा सा हैंकी क्यों ना हो, अगर वो दे, सो दिस विल बी अ ट्रेजर फॉर दोज चिल्ड्रन। सो आई वुड से कि बच्चों को व्हाई नॉट यूनिफॉर्म्स इन खादी, तो खादी तो पूरे देश में दिखेगा फिर। यस यस, देर आर सर्टन स्कूल ऑल्सो कॉल्ड शिशु वन इन मडगुंगा, दे आर कम्प्लीटली वेयरिंग खादी। खादी, यस, थैंक यू। स्टार्ट किया है 2 अक्टूबर से लेके 31st तक, और हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें ये एसोसिएशन दिया है कि आप लोग अपने माध्यम से, जैसे HWRF NGO काफ़ी स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रही है कॉलेजेस में, स्कूल में, तो हमारी एक पूरी टीम है जो इन्फ्लुएंस्ड है विथ यूथ और कॉलेजेस और डोनेशंस वगैरह जो देते हैं, तो उन्होंने हमको ये सारा कोलाब्रेशन करके दिया। हमारे राजेश शाह जी है जियो रोटी घर से, तो उनके माध्यम से हम काफ़ी जगह पर ये स्प्रेड कर चुके हैं, और आई थिंक एवरी ऑल्टरनेट डे ये पूरे मुंबई में हम लोग इसको 31st तक स्प्रेड कर देंगे, और इसको कंटिन्यूशन करेंगे नेक्स्ट कमिंग ईयर भी, कि खादी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और KVIC के साथ में हमको चल के इसको और आगे बढ़ाना है। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू अवर स्कूल SPR JP स्कूल, जो 100 ईयर्स ओल्ड है, और इनको वही बोलने जा रही थी कि जो आज हमको हमारे सेंटेनरी ईयर में आके ये जो मौका मिला रैली में पार्टिसिपेट करने का, तो थैंक यू सो मच आपको। और मेन थिंग, मेरे बच्चे खादी को आगे श्योरली लेके जाएंगे, क्योंकि दे आर फ्रॉम स्लम्स, एंड अगर हम उनको
आगे जाके खादी यूज करने के पहले कैसे उसको बनाते या बुनते हैं वो भी अगर गाइडेंस उनको दे सकते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर देम सो दैट दे कैन अर्न फ्रॉम दैट. और अगर यूनिफॉर्म जैसे मैम ने कहा यूनिफॉर्म अगर हम करवाएंगे बच्चों के लिए तो ज़्यादा लोगों को उसका जॉब मिलेगी और खादी 100% आगे जाएगा. सो इस बार सेंटेनरी ईयर में आप लोगों ने आके हमारे साथ ही मिलके काम किए, मतलब जो रैली करवाई है बच्चों के साथ मिलके वो एक्सेलेंट हुई हमारे लिए. सेंटेनरी ईयर एडिशनली याद रह जाएगा. सबसे पहले यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये स्कूल का रिकॉर्ड रह चुका है कि जो बच्चों को यहाँ से इंस्टीट्यूट से जो मिला हुआ है हर चीज़ दे हैव रिटर्न्ड इट बैक ऑन अ बिगर लेवल. सो यहाँ के काफ़ी यहाँ आई गेस वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डोनेटेड 50 lakhs फॉर द स्कूल. सो शी बिकेम अ डॉक्टर एंड शी इज इन US. तो ये इंस्टीट्यूट की खास बात यह है कि यहाँ से जो भी सीड आप डालोगे आगे जाके वो पेड़ बनना ही बनना है और वो फल भी देना ही है. सो ये जो खादी का मैसेज है वो तो जाना ही जाना है फॉर श्योर. एंड वी आर वेरी प्राउड दैट कि इतना अच्छा स्कूल जो है जो नॉट ओनली आपको पढ़ा भी रहा है आपको सब कुछ फ्री भी प्रोवाइड कर रहा है प्लस आपको स्कूल में भेज पेरेंट्स को भेजने के लिए आपको राशन भी प्रोवाइड कर रहा है. सो वो बहुत बड़ी बात है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे देश का कल्चर है जो सनातन धर्म हम बोलते उसको जो पकड़ के रखा जो उसका शिक्षा मिल रहा है यहाँ पर दैट इज़ अ मस्ट. एवरी रिलीजन आपको सिखाता है बेसिक कल्चर्स और एथिक्स. सो वो एक मस्ट है और आई एम वेरी प्राउड कि हमें सेंट कोलंबा और SPRJ जैसे स्कूल्स के साथ में काम कर रही हूँ.